siamo lo cane che è dobbiamo sempre cercare di studiare bene. Ma c'è un concetto che è che abbiamo permesso di studiare chi è, di arrivare chi è, di amare chi è, di attirare chi è. तीन दादा लोग हैं, ठीक है, अमित दादा, सुरेश दादा, असीम दादा, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे स्तुति क्या होता है, आराधना क्या होता है और महिमा, क्या ये तीनों एक ही है या अलग अलग, ठीक है। सबसे पहले ये कौन है? स्तुति, बोलिए सबको, स्तुति। उसके बाद ये कौन है? आराधना। और वो कौन है? महिमा, ठीक है। पहले स्तुति में क्या होता है बताते हैं। जब हम लोग स्तुति करते हैं, गाना गाते हैं, तो परमेश्वर जो काम किया है उसके काम को हम बतलाते हैं गाना गा के, चिल्ला के, डांस करके करके, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है स्तुति करने से, वो हम देखेंगे, ठीक है। मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, सारे
नहीं खुश है? अच्छा मतलब गाना भी गा लिया ना। अच्छा हम लोग कितना ही सन सॉन्ग जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, सादरी जानते हैं, पर आज कुछ नया है। पता है बोलो भाई, हमें फिर हमें भैया क्या है आज? नहीं पता है। आज हम लोग बल्ले बल्ले करेंगे, बल्ले बल्ले। आप सुने, मैं सुना कि आप स्लैंग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो एक बार बल्ले बल्ले मक्के की रोटी सरसों का साग
Ipita pa may siya, siya. Ipita pa may siya, may ipita. Yeah, Ipita. May ko daw na may pariwaan, kaya kung Ipita pa may siya, sa kapitin ko pati. May ko na yung chito, pati ko daw na, o mga tayo mga din, Ipita. Ipita pa may siya, mga pagkakala mga din, Ipita pa may siya. Kaya, Ipita pa may siya, marikana. शुभ बाबा ने कहा था आज इस घर में उद्धार आया है, इसके लिए बोला था शुभ बाबा।
नाम ही गाते हैं हम लोग, यार जल के इनाम का आदमी था वो, इतना नाटक है ना। वो क्या किया था, वो यीशु मसीह को देखने के लिए गुलर के पेड़ पे चढ़ गया था। यीशु मसीह क्या बोले, यीशु जब कहीं आज हम तेरे घर में जाएंगे। कितना खुश थे, जिसको देखने के लिए हम बिल्कुल पूछा पूछी में घुस घुस करके कोशिश किए, हमको दिखा नहीं, हम असिस्टेंट निकालने की कोशिश की, हमको दिखा नहीं, हमको पेड़ में चढ़ना पड़ा। वो इंसान खुद बोलता है हम तेरे घर आएंगे, कितनी बड़ी बात है ना। और जब यीशु मसीह के घर गए तो जकई ने कुछ कहा है ना, जिसके रिप्लाई में यीशु बाबा ने बोला था, जिसके जवाब में यीशु बाबा ने बोला था आज इस घर में उद्धार आया। क्योंकि जकई ने बोला था, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे देता हूँ है ना, और जिससे मैंने लूट लिया है झूठ मूठ का बोल बोल के है ना, टैक्स को एक्स्ट्रा बढ़ा बढ़ा करके उसे घूस लेकर के जिससे मैं झूठ बोल बोल करके लिया, उससे चार गुना फेर देता हूँ है ना। किसी से 10 रुपया लिए तो उसको 40 रुपया वापस करेंगे, किसी से 100 रुपया ठगे तो उसको 400 वापस करेंगे, किसी से 1000 ठगे तो उसको 4000 वापस करेंगे। ये उसने उस वक्त किया था, नहीं किया था उस समय तुरंत, लेकिन जब उसने बोला था केवल यीशु मसीह ने कह दिया आज इस घर में उद्धार आ गया। क्यों, उसने निर्णय लिया था कि मैं करूँगा है ना। परमेश्वर हमारे निर्णय का आदर करता है। और इस समय दानियल, हम लोग दानियल का नाम सुने हैं हाँ, तो दानियल को एक समय बेबीलोन ले जाया गया था है ना, एक जगह है बेबीलोन, वहाँ ले जाया गया दानियल उसके मित्रों को। तो उन्हें खाने के लिए वो चीज़ें दी जा रही थी जो यहूदियों को खाना मतलब प्रोविडेंट मतलब उनके लिए खाना सही नहीं था। तो दानियल ने कहा था हम लोग इस भोजन को नहीं खाएंगे है ना। और वचन में लिखा है कि और परमेश्वर का अनुग्रह दानियल और उसके साथियों पर ठहर गया है ना, उतर आया। क्यों, उन्होंने निर्णय लिया कि प्रभु जो मना किए हैं वो हम नहीं खाएंगे, चाहे वो कितना भी टेस्टी हो। तो आप बस इतना बताना चाह रहे कि परमेश्वर हमारे निर्णय का आदर करता है ना, वो हमारे निर्णय से खुश होता है कि आज हम सोच लिए कि प्रभु अब से हम वो नहीं करेंगे जो आप नहीं चाहते हैं, अब से वो करेंगे जो आप मेरे जीवन से चाहते हैं। हम निर्णय लेंगे, प्रभु मदद करेंगे है ना। प्रभु नहीं बोलता बोझ उठाओ, ऐसे करो वैसे करो, नहीं, प्रभु बोलता है यार पार्टनर्स होता है ना, आओ बोझ उठाएंगे है ना, साथ में करेंगे। प्रभु हम लोग को अपने पार्टनर बनाता है, बस वो चाहता है कि हम लोग निर्णय लें, हम कदम बढ़ें है ना। और इसी निर्णय से कौन नाखुश होता है, शैतान। हम लोग को याद होगा परमेश्वर ने निर्णय लिया था, मैं एक इंसान को भेजूंगा जो मेरी जाति को बचाएगा है ना। कब बोला था, जब आदम हवा क्या किए थे, पाप किए थे, तो परमेश्वर पिता ने कहा था कि मैं किसी को भेजूंगा है ना। तो शैतान पूरा दिमाग लगा रहा होगा कि परमेश्वर ने निर्णय लिया है वो करेगा ही करेगा है ना। तो उसको पता था कि स्त्री से आने वाला है कोई है ना। शैतान यीशु मसीह का पहला नाम जानता है, वह स्त्री का बीज, क्योंकि परमेश्वर पिता ने वही कहा था स्त्री से उत्पन्न होगा है ना। तो शैतान ने सोचा कि कौन है, जब कैन आया हाबिल आया तो शैतान ने सोचा होगा यही है क्या, यही है क्या जो मुझे नाश करेगा। तो शैतान ने क्या किया, कैन के हाथों हाबिल को मार दिया है ना। मूसा के समय में भी सोचा होगा, इश्माबा के समय में भी सोचा, मूसा के समय में भी आज्ञा निकली थी ना। शैतान ने बहुत सोचा क्योंकि वो जानता है परमेश्वर ने निर्णय लिया है वो करेगा है ना। तो शैतान हमारे निर्णयों से डरता है, वो इस बात से नहीं डरता कि तो खूब ज्ञानवान है, खूब नॉलेज वाली पर्सन है, इस बात से नहीं डरता है। शैतान इस बात से डरता है कि क्या सच में इसने निर्णय लेके परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया क्या, अगर शुरू कर दिया तो भैया हमको दिक्कत हो जाएगी है ना। शैतान हमारे निर्णय से डरता है, इसलिए आज हम यही चाहेंगे कि आज जब आज का वचन हम लोग सुने तो हम लोग निर्णय लें कि हम लोग परमेश्वर के लिए तैयार हो रहे हैं। आइए हम लोग आज के वचन में जाएंगे। मेरे वचन जो हमें शुरू कर रहा है ठीक है, वो है यीशु मसीह के आगमन के बारे में, यीशु मसीह के आगमन के बारे में हम लोग बोलेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 44 हम लोगों को मिल गया। अच्छा थोड़ा सा हम लोग थोड़ा उदास उदास लग रहा है ठीक है, चलो एक दूसरे को बोलो जय मसीह की, एक दूसरे को बोलो जय मसीह की हाँ। और एक बार फिर से एक दूसरे को देख करके बोलो परमेश्वर
अच्छा चलिए साथ में पढ़ते हैं ना, वन टू थ्री स्टार्ट। तैयार करती है, खूब सज धज के रहती होंगी।
तैयार करना सोना नहीं है, ये 10 तो क्या की सो गई, 10 तो सो गई है ना, उसके बाद रात में धूम मचा के दूल्हा आ रहा है सब बड़बड़ा के उठी होगी नहीं, हाँ कि नहीं, हाँ तुम लोग मम्मी जगह नहीं करोगी, स्कूल नहीं जाना है, 8 बज चुका है, ये बाबा 8 बज गया है ऐसा होता है, हाँ वैसे वो लोग भी उठ गए है ना, क्योंकि दूल्हा आ चुका था, ठीक है, मतलब दूल्हा आ रहा था, तो 5 ने देखा हमारे पास हमारी प्रसाद तो थी लेकिन हमने एक्स्ट्रा तेल तो नहीं लिया था, जितना तेल था उतना देर मशाल चला, एक्स्ट्रा तो हम लोग नहीं पकड़े तो आप तो नहीं चलेगा, हम लोग मशाल थोड़ा सा तुम लोग दो ना, ठीक है, तो वो 5 जो लोग पकड़ी थी एक्स्ट्रा वो क्या बोलती है, शायद हम लोग का नहीं भूलेगा है ना, तो हम बस ये बतलाना चाह रहे हैं कि मशाल जरूरी है ना, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है उसके अंदर का तेल, तेल नजर आता है नहीं है ना, तेल वो चीज है जो दिखती नहीं है, मशाल तो दिख रहा है, वैसे हम लोगों का जीवन यीशु मसीह ने इस घटना के तहत बताया है कि आंतरिक जीवन ज्यादा जरूरी है, बाहर में तो हम लोग दिख सकते हैं कि हाँ संडे स्कूल की सेक्रेटरी है ना ओमेगा राय, इसी वजह से प्रेसिडेंट ओमेगा राय, लेकिन मेरा अंदर का जीवन यीशु मसीह देखता है, यीशु मसीह ले जाते समय नहीं देखे कि कितने कितने पोस्ट में रही है ना, यीशु मसीह क्या देखेगा मेरे अंदर का जीवन, क्योंकि वो जानता है कि हम अकेले में कैसे हैं है ना, क्या हम यीशु हम मम्मी पापा का बात मानते हैं, यीशु बाबा ये देखेगा हम अपने दोस्तों के साथ कैसे हैं, यीशु बाबा ये देखेगा है ना, हम कैसे कैसे बातें करते हैं फोन में, यीशु बाबा ये देखेगा हम कैसे कैसे मैसेजेस भेजते हैं, यीशु बाबा ये देखेगा हम अकेले में कैसे कैसे वीडियोस देखते हैं, यीशु बाबा ये देखेगा है ना, हमारा अंदर का जीवन यीशु बाबा के लिए इम्पोर्टेंट है, तेल मशाल अच्छी चीज है ना, मशाल अच्छी चीज है, मशाल का जो आग है वो अच्छा है, हम लोग बाहर में बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं ना, हम लोग लीड कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस रखता है आंतरिक जीवन, यीशु मसीह हमारे इनर बीइंग को देखता है ना, हमारे इनर मैन को देखता है, और यीशु मसीह अपने जब उन्होंने वर्स 44 में बोला कि अचानक मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, उसके तुरंत बाद इन्होंने यही बात बताई है कि तुम्हें क्या करना है, मशाल में तेल भरना है ना, तेल को भरो, अपने अंदर का जीवन को अच्छा करो, सबसे अच्छे रहो है ना, एक अच्छा जीवन जियो, एक चीज दिखाते हैं, ठीक है, रोशनी दीदी कहाँ गई, अच्छा घर है, नहीं नहीं आप बैठे नहीं बैठते बैठते, हाँ हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर पिता बन के हम बैठे हैं, ठीक है, ये न्याय का दिन है, ठीक है, परमेश्वर पिता बन के हम बैठे हैं, परमेश्वर हमारा न्याय कैसे करेगा, ठीक है, बैठे बोला जाएगा रोशनी का, रोशनी बुलाया जाए, ठीक है, रोशनी आ गई, अब दो सरदूत भारी भारी गोथी पतरा उठा के ला रहे हैं, चार फोटो वोटा फाइल है, रोशनी कैसे चलेगी, बाबा हम क्या किए हैं जियो में, ठीक है, उसके बाद परमेश्वर पिता पूछेंगे स्वर्गदूत से इसका जीवन कैसा था, स्वर्गदूत जो स्वर्गदूत रहेगा वो बोलेगा अच्छा जीवन था, अच्छा जीवन जीती थी, मैं इसके साथ ही था, इसके जन्म से लेकर इसके मरने तक इसके साथ ही था, अच्छा जीती थी, और मम्मी पापा से झगड़ा करते थे नहीं नहीं करती थी, और बच्चों के साथ बहुत प्यार से बात करती थी, बहुत अच्छी थी, और वाणी को तंग करती थी, वाणी इसको तंग करती थी, है ना, उसके बाद ईश्वर से पूछेंगे अच्छा ये इसको ज्ञान था, अच्छा ये पूरा प्रकाशन करके पढ़ी थी, नहीं प्रभु पूरा प्रकाशन करके तो नहीं पढ़ी थी, इसको नरक में डालो ऐसा बोलेगा प्रभु, अच्छा इसको पता था कि कितनी बार नहीं करेगा, परमेश्वर हमारा न्याय हमारे ज्ञान के हिसाब से नहीं करेगा, प्रभु क्या कहता है आंतरिक जीवन ठीक करो है ना, मशाल चलने के लिए तेल जरूरी है, अंदर क्या हो वो जरूरी है उसको ठीक करो, एक खुशखबरी है ना, एक बात है, हम लोग तो बहुत सारे नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, हम अच्छा
यीशु मसीह ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या करना है? अच्छा जीवन जीना है ना, क्योंकि एक सरदूत हमेशा हमारे साथ रहता है, जो वॉच करता है, जो लिखता है हमारी बातों को, है ना। हमें अच्छा जीवन जीना, बस अच्छा जीवन जी यीशु मसीह हमें ले जाएगा। हम जाना चाहते हैं इसके साथ। यीशु मसीह क्या आएगा? घोड़े पर बैठ के आएगा, है ना, ऊपर से आएगा। अचानक से गिर देखेंगे, अरे स्वर्ग खुल गया है, घोड़े उतर रहे हैं, यीशु मसीह देवदूत के रूप में आएगा, है ना, बिल्कुल सज धज करके, है ना, बिल्कुल सोने का वस्त्र पहन करके आएगा। और हम लोग को बोलेगा, चलो चलो तुम लोगों को मैंने देखा है, तुम लोग मेरे हो, है ना। अच्छा नहीं लगेगा ना, चलो 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 तुम लोगों को बोलेगा, है ना। तो हम लोग को जाना है कि यीशु मसीह बोले तुम नहीं जाओ, ऐसा बोलेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं, यीशु मसीह के लिए तैयार होना है, यीशु मसीह के साथ जाना है। तो एक बात है, मशाल जलती रहनी चाहिए, और मशाल जलेगी तब जब उसमें होगा तेल, और तेल होता है अंदर, वो दिखता नहीं है। अब बाहर का दिखावा तो कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे अंदर के जीवन को जानता है ना, इसलिए अंदर के जीवन को अच्छा रखना है ना, दिल से अच्छे रहना है। अब इसके तुरंत बाद, 10 कुंवारियों के तुरंत बाद एक और घटना है, कि हम लोग उस घटने को देखें थोड़ा सा। 14 से, वर्स 14 से एक और घटना है, उसका हेडिंग में क्या लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, तोड़ों का दृष्टांत। तोड़ा मतलब उस वक्त के लिए क्या था? पैसा, है ना। और हम लोग के लिए क्या है? टैलेंट, है ना। किसी को अच्छा गाने का वरदान है ना, कोई वर्शिप लीड कर सकता है, कोई वचन प्रचार कर सकता है, कोई अच्छा गिटार बजा सकता है, कोई अच्छा ड्रम बजा सकता है, ठीक है। किसी को ज्यादा वरदान है, किसी को कम वरदान है, सबको वरदान है। लेकिन एक बात है जो सबके लिए है, यीशु मसीह कह के गए थे कि तुम क्या करो, चेला बनाओ, है ना। यीशु मसीह जब जा रहे थे तो बोले थे कि तुम लोगों को मेरे वचन के बारे में बतलाओ, ठीक है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग यीशु मसीह के प्रेम को बांटे, ठीक है। यीशु मसीह थोड़ा हम सबको दिए हैं, मतलब वो मिनिस्ट्री हम सबको दिए हैं, जो मिनिस्ट्री है प्रार्थना की मिनिस्ट्री। हो सकता है कि हम लोग सब लोग जाकर के प्रचार नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि हम लोग सब कोई गिटार नहीं बजा सकते, ड्रम नहीं बजा सकते, वर्शिप लीड नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना तो हम लोग सबको ही कर सकते हैं, है ना। आप लोगों को कभी किसी ने कहा है कि सुनो ना, आज ऐसा है, मेरी मम्मी का तबीयत खराब है, थोड़ा सा प्रेयर कर दीजिए ना, तो हम क्या भेजे? यस आई विल डू, है ना। या फिर एक ऐसा वाला इमोजी भेजते हैं ना, उन्होंने हमसे इमोजी मांगा, क्या क्या मांगा? प्रार्थना मांगा, ठीक है, इमोजी भेज दी, ठीक है, लेकिन प्रार्थना जरूर करें, है ना। किसी को हमारी प्रार्थना की जरूरत होगी, प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं, एक दूसरे का सहयोग करें। और ये तोड़ा है जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम इस मिनिस्ट्री को संभालें, है ना, क्योंकि जो मिट्टी में छुपा दिया था वो नाश हो गया था। हम लोग छोटा बाबू लोग, छोटा मैया लोगों को बोलता है, मम्मी बोलती है कि कभी सिर दर्द कर रहा, कभी पैर दर्द कर रहा, ऐसा होता है, मम्मी लोग को प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग अगर चुपके से प्रार्थना करेंगे, नहीं छुपा हमारी प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, हमारी प्रार्थना विश्वामा सुनता है और उत्तर भी देता है। इसलिए आज के बाद अगर कोई आपको बोले कि ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम, ऐसा कुछ है, तो केवल इमोजी तक सीमित नहीं रहना है, क्या करना है? प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये जरूरी है ना, ये हमारी गुलाहट है, ये हमारी कॉलिंग है, ये हमारी मिनिस्ट्री है ना। हम लोग को बस ये नहीं सोचना है कि करके क्या करेंगे, नहीं, हो सकता है कि हमारे प्रार्थना के द्वारा से किसी के जीवन में कोई आशीष आ जाए, ठीक है। प्रभु हमें कहता है मेरे साथ जाना है, तो बच्चों अपनी इनर मैन ठीक करो, है ना। दूसरी बात, अपना थोड़ा इस्तेमाल करो, मतलब अपनी मिनिस्ट्री को पहचानो और काम को करो, है ना, प्रार्थना में दूसरे को सहयोग करो। और एक
और दृष्टांत है इसमें तीसरी और अंतिम बात, ठीक है। उसमें लिखा है न्याय का दिन, पहले ये लिखा है ना, उसमें क्या क्या है आगे कि ईश्वर से प्रभु कहेगा कि आ जाओ मेरे साथ, है ना। जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया। ईश्वर बाबा आएंगे क्या मेरे घर में खाना खाने के लिए? ईश्वर बाबा किसी दिन, ईश्वर बाबा क्या कहते हैं कि छोटे से छोटों के साथ जो तुमने किया है वो मेरे साथ किया है, ऐसा लिखा है इसमें ना। हाँ, जो तुमने इनके साथ किया है, जो तुमने इन बच्चों के साथ किया है, जो तुमने उन बच्चों के साथ किया है, वो किसके साथ किया है? मेरे साथ किया है, है ना। इसका मतलब ईश्वर बाबा चाहते हैं कि हम एक दूसरे को, अपने एक दूसरे पार्टनर को क्या करें, सहयोग करें, है ना। एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को बढ़ाएं, एक दूसरे को उठाएं, है ना। अगर इससे किसी चीज में प्रॉब्लम है, इसको मैथ्स नहीं समझ में आता, आपको समझ में आ रहा है, उसको समझाएं, है ना। इसमें इसके घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ बात है, हम हेल्प कर सकते हैं तो हम करें। ईश्वर बाबा चाहता है कि हम लोग एक दूसरे का, आपस में अपने मित्रों का, आपस में एक दूसरे का बोझ क्या करें, उठाएं, है ना। कभी कभी हम लोग एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते भी नहीं। हम एक छोटी सी अपनी कहानी बताना चाहते हैं। मेरे फ्रेंड, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके हम लोग दो ही स्टूडेंट हैं केवल, ठीक है। एक मेरी फ्रेंड है और एक हम है, है ना। मेरी जो फ्रेंड है वो अक्सर थोड़ा सा लेट से क्लास आती थी, उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता था, हमको बहुत गुस्सा आता था, इसके कारण से क्लास लेट से शुरू होता है, ठीक है। सर थोड़ा कम पढ़ाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, हमको बहुत अच्छा नहीं लगता था। बाद में मुझे पता चला, उसने एक दिन बताया कि उसकी मम्मी को कैंसर है, ठीक है, और उसके घर में अब कोई नहीं है काम करने वाला। वो सुबह का नाश्ता बनाती है, दिन का खाना बनाती है, फिर घर आती है, मम्मी को दवाई खिलाती है, ठीक है, फिर यहाँ कॉलेज आती है, फिर घर जाती है, सारे बर्तन धोती है, रात का खाना बनाती है, मम्मी को दवाई खिलाती है, उनको वॉशरूम ले जाना है, तो सब काम करती है। तब मुझे लगा कि ऐसी बात है ना। तो हमें एक दूसरे के बारे जानना है, एक दूसरे की परेशानियों को जानना है। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे का बोझ उठाएं, है ना। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ था, लेकिन जब पता चला था हम उसको सपोर्ट करने लगे, थोड़ा सा नोट्स उसको देने लगे, थोड़ा सा समझाने लगे। तो वही प्रभु चाहता है कि हम लोग अपने मित्रों का, अपने पड़ोसियों का, जिनसे हम मिलते हैं, हम क्या करें उनके बारे में जाने, है ना, कि वो किस परिस्थिति में है, और उनका बोझ उठाएं, मतलब उनको हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें, ठीक है। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े रहें। यीशु मसीह ने कहा मैं आने वाला हूं, पर उसके बाद कहा पहला दृष्टांत के द्वारा से अपना अंदर का जीवन ठीक करो, लोगों के सामने तो बड़े अच्छे हो, है ना, मेगा दीदी बनती हो, लेकिन जब अकेले रहते हो अपने रूम में तब क्या करते हो, ये मायने रखता है, है ना। वरना होगा ऐसे कि सब लोग वाणी रश्मि लोग ऊपर जा रही है और बोल रही है बाय मेगा दीदी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यीशु मसीह के साथ जाना है तो पोस्ट पदवी द्वारा बाहर का जीवन वो मायने रखता है, लेकिन वो केवल मायने नहीं रखता है, इंपॉर्टेंट है अंदर का जीवन, एक अच्छा जीवन, एक पवित्र जीवन, है ना। यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रिश्ते का जीवन, यीशु मसीह का हाथ थाम के चलने वाला जीवन, यीशु मसीह ये चाहता है कि हम करें। दूसरी बात, एक दूसरे को केवल इमोजी नहीं लेकिन प्रार्थना का सहयोग देना, है ना। एक दूसरे को प्रार्थना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने, एक दूसरे को उठाना है। अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड बहुत ज्यादा मार्क्स ले आता है तो कैसा लगता है? एक फिल्म था ना, उसमें बोला गया दोस्त जब फेल होता है तो जितना बुरा लगता है उससे ज्यादा बुरा तब लगता है जब दोस्त टॉप कर जाता है, है ना। तो एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की खुशी में खुश होना है। प्रभु कहता है रोने वालों के साथ रो और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, दिल से करो, है ना, दिल से खुश हो। किसी की नौकरी लग गई, दिल से खुश हो, है ना। किसी को अच्छा कोई कार खरीद दिया, दिल से खुश हो। हम लोग चलन रखने लगते हैं ना, हाँ मेरे साथ भी होता है, हमको भी बहुत गुस्सा लगता है, ठीक है, खराब लगता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें, है ना। और तीसरी बात, एक दूसरे का बोझ उठाएं, एक दूसरे को जाने। इसमें
क्या कमजोरी है, इसको क्या प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। क्योंकि प्रभु हम लोग को यहाँ बैठ करके परमेश्वर पिता नहीं बोलेगा कि इसका ज्ञान कितना था, परमेश्वर पिता बोलेंगे इसका ज्ञान कितना था। परमेश्वर पिता जीवन के हिसाब से, जीवन देख करके हमें ले जाएंगे, है ना। अच्छा जीवन जी रहे हैं तो चलो मेरे साथ स्वर्ग में। हम लोग को स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है ना, तो कैसा करना होगा, अच्छा जीवन जीना होगा, आप से मम्मी पापा का बात मानना होगा, है ना, दोस्त लोग से झगड़ा नहीं करना होगा। क्या करना होगा, यीशु पापा हम थोड़ा सा पढ़ने जानते हैं इसलिए थोड़ा सा बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन बाइबल पढ़ना होगा, है ना। यीशु पापा हम तो जल्दी नींद लग जाता है इसलिए थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना करना होगा, है ना। जब अपना जीवन ठीक करेंगे यीशु मसीह हमें ले जाएगा। प्रभु हम तो कभी वर्शिप लीड नहीं किया, हम तो कभी दरी बिछाते थे और झाड़ू लगाते थे, पर प्रभु बोलेगा तुम मेरे सच्चे और विश्वासयोग्य दास हो, क्योंकि तुमने हमेशा अपने आप को नम्र बना के ये काम किया, है ना। यीशु मसीह से जाना है तो क्या करना है, अपना जीवन, अपना जीवन, हाँ अच्छी बात है, नम्र बनाना है ना, नम्र बनाना है, अच्छा जीवन जीना, यीशु मसीह से रिश्ता रखना है, और जो बातें नहीं दिखती है, है ना, उनमें भी अच्छे रहना है, जो बातें दिखती है उनमें भी अच्छे रहना है, और जो बातें नहीं दिखती है उनमें भी अच्छे रहना है। यीशु मसीह के लिए पवित्र रहना है, विश्वास योग्य रहना है, है ना। यीशु बोले कि कब मैं जाऊंगा अपने बच्चे को लेकर आऊंगा, हम साथ रहेंगे, है ना। स्वर्ग में किसके साथ रहना है, यीशु बाबा के साथ रहना है, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोग इन वचनों के द्वारा से कुछ सीखे, उसके साथ मेरा बर्ताव कैसा है, मैं जब अकेले होता हूँ तो मैं कैसे हो जाता हूँ, जब मैं साथ रहता हूँ तो मैं कैसे हो जाता हूँ, आप सब जान रहे हैं, है ना। निर्णय लेना सबसे इम्पोर्टेंट इज डिसीजन लेना, है ना, कि प्रभु मुझे तैयार होना है, मुझे भैया आपके साथ जाना है, अपना आंतरिक जीवन ठीक करें, एक दूसरे का बोझ उठाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब दुआ करते हैं। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं, प्रभु से धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, खुदावन्द कि आज के इस दिन में भी आपने हमारे सांसों को चलने दिया है, प्रभु जी तूने हमें याद रखा, प्रभु जी तूने खुद को हमें रिपीट किया, पिता हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि हमने तुझे रेड किया, प्रभु जी इसलिए कि तूने खुद को हम पर प्रकट किया। प्रभु जी आज हम सिमेंट सारे स्कूल के बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं, यहाँ के टीचर्स के लिए धन्यवाद देते हैं, यहाँ के अगुओं के लिए धन्यवाद देते हैं, हम सब जितने यहाँ पर है पिता जन के जीवन के धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमसे बातचीत की है, और आप इस बात को चाहते हैं पिता कि हम निर्णय लें कि हम आपके साथ जाने के लिए तैयार होंगे। प्रभु जी इन दृष्टांतों के द्वारा साथ में बताया पिता कि मशाल तो जलती है लेकिन उसके अंदर का तेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभु जी उस तेल के कारण से मशाल जल रही, पिता हमारा रिश्ता आपसे हो, पवित्र आत्मा आपके साथ हमारा रिश्ता हो, प्रभु जी हाँ पिता आपकी उपस्थिति हमारे अंदर होने पाए, पिता हमसे लोगों के सामने अच्छे ना रहे, सिर्फ दिखावे में अच्छे ना रहे, सिर्फ उस स्टेज में अच्छे ना रहे, लेकिन पिता जब हम अकेले होते हैं तब भी उतने ही विश्वास योग्य रहे आपके लिए, प्रभु जी हम जब लोगों के साथ रहते हैं, जब भीड़ में रहते हैं तब भी आपके लिए विश्वास योग्य रहे, और जब हम किसी एक इंसान के साथ, किसी दो इंसान से अपने परिवार के साथ रहते हैं पिता हम तब भी आपके लिए विश्वास योग्य रहे, पिता हमारे